फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स। क्यों भाई फोर्स क्यों होगा? होगा बिल्कुल होगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इस पे चार्ज है क्यू, इस पे चार्ज है माइनस क्यू, डिस्टेंस कितना है डी, तो फोर्स कितना आ जाएगा के क्यू बन क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू माइनस क्यू बाय डी स्क्वायर, यही आ जाएगा फोर्स है ना। कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड तो कूलम लॉ से निकली, कूलम लॉ यही तो बोलता था के क्यू बन क्यू बाई आर स्क्वायर, तो भाई हाँ वो फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था, ये मत लगा देना, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लेट पे, समझ में आ रहा है? ये किसके लिए था भाई? वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, दिस इज नॉट पॉइंट चार्ज, तो ये गलत तरीका है। पहले तो हमें गलत तरीके बताने चाहिए जो हम करते हैं एग्जाम में, ऐसे तो नहीं करना। कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ये पॉइंट चार्ज नहीं, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से इस पे कितना फोर्स लग रहा है वो निकाल लो, हो जाएगा काम। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं किसके कारण? प्लस वाले के कारण। क्या आएगी बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट? क्योंकि सिर्फ इसके कारण लिख रहे हैं ना भाई, इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे थोड़ी ना फोर्स लगा देगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगा दे, नहीं ना, चार्ज खुद पे नहीं लगाता चार्ज, आप जब भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लगते हैं तो फोर्स लगेगा नेगेटिव चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फोर्स कितना होगा Q इंटू ई, है ना, नेगेटिव था तो ऑलरेडी अपोजिट तो दिखा दिया ना मैंने, तो कितना आ गया Q इंटू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, Q कितना है, ये सिग्मा कितना है Q बाई ए, तो क्या आया Q स्क्वायर बाय, ये फोर्स है। इस प्लेट पे कितना फोर्स होगा? न्यूटन का थर्ड लॉ भाई, अबे उसको कब यूज करोगे, न्यूटन का थर्ड लॉ है ये, ए ए बी पे जितना फोर्स लगा रहा है बी ए पे उतना ही फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है। और अच्छा देखो एक चीज ध्यान रखना, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, इसमें अगर अपन सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ये इन्फाइनाइट प्लेट के लिए था एक्चुअली, तो ये इन्फाइनाइट नहीं है ना, पर अपन ये मान के चल रहे हैं जो इसका एरिया है वो इस डिस्टेंस से बहुत ज्यादा है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जाके लिख लो रूट ए इज वेरी मच ग्रेटर देन डी, मतलब प्लेट्स हैव वेरी लार्ज सरफेस एरिया कंपेयर्ड टू द सेपरेशन बिटवीन देम, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जहाँ लिखा था वहाँ पे ये लिख लो, प्लेट्स हैव वेरी लार्ज सरफेस एरिया कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन देम, तभी तो अपन सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे हैं, वरना कैसे कर लेते एज कम्पेयर टू सेपरेशन बिटवीन देम, ये लिख लेना फिर। रूट ए क्यों लिखा है, ए क्यों नहीं लिख दिया सीधा? अरे कंपेयर करने के लिए डायमेंशन नहीं करना है ना, 100 किलोग्राम और 50 मीटर को कंपेयर कर सकते हैं क्या? नहीं, मतलब ही नहीं है। ठीक है बढ़े आगे तो लिख लो